आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, देसी उपचार, पाइल्स की जड़ी बूटी से इलाज, पाइल्स की नेचुरल ट्रीटमेंट, पाइल्स ट्रीटमेंट एट होम, घर पे बैठे पाइल्स बवासीर मसे के इलाज कैसे हो सकता है, हिमरॉइड्स की क्या ट्रीटमेंट है विदाउट सर्जरी, ये सब सर्च टर्म्स काफ़ी सारे लोग गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे पौधे हैं जो आयुर्वेदिक पौधे हैं जिसमें से जो अर्क रहता है, जो उसके अंश रहते हैं या पाउडर या ऑयल के फॉर्म में जो निकलते हैं पौधे में से, इससे बवासीर पाइल्स की ट्रीटमेंट हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों को आराम मिलता है। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स में भी अभी ये प्रूव हो रहा है। आमतौर पे ये सब जो चीज़ें हैं ये आम इंसान या मरीज बहुत बार जोड़ नहीं पाता है समय के अभाव से, या फिर ये पौधे किधर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और इसका बनाने का क्या तरीका है, ये आम इंसान बराबर से कर नहीं पाता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से पाइलेक्स फॉर ऑइंटमेंट ये हिमालय कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट है जो पॉपुलरली काफ़ी सारे लोग पाइल्स, बवासीर, मसे, हिमरॉइड्स की शिकायत के लिए यूज़ करते हैं। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कितने दिन यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि एनस के जगह पे लगाना है, चमड़ी पे लगाना है या फिर मलद्वार के जगह पे अंदर लगाना है। लगाने के कौन से तरीके हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या ये 100% सेफ है, प्रेगनेंसी में यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूज़ करने के समय, क्या ये गारंटीड इलाज है, क्या ये हमेशा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्या 100% चांस है कि आपको अच्छा हो जाएगा, अगर 100% चांस नहीं है तो कितने परसेंटेज में ये फ़ायदा दे सकता है, ऐसे अनगिनत बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स समय के अभाव के कारण आपके सर्जन या डॉक्टर आपको बराबर से समझा नहीं पाते इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो ऐसे सब छोटे छोटे पॉइंट्स आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल, मैं एक क्वालिफाइड जनरल सर्जन हूँ और पाइल्स फिशर फिशुला का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करने वाले कि ये जो कॉमन प्रोडक्ट जो काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में क्या कंटेंट्स है, कैसे काम करता है, और जो मैंने आपको सब छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि कौन से पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने चाहिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। यदि आपको पाइल्स फिशर फिशुला की तकलीफ़ है तो हमारे चैनल में आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन सरल भाषा में समझाने की कोशिश करने वाले, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो बटन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मलम को जब भी आपका मल त्याग करने का जो प्रोसेस है, यानी आपने संडास हो गया, मोशन पास हो गया है, आपने मल त्याग कर दिया है, फिर आपको जो एनस का एरिया है, जो संडास का एरिया है, उसको अच्छे से नॉर्मल पानी से या फिर हल्का सा गुनगुना पानी से धो देना है अच्छे से। ये एरिया अगर साफ रहेगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसको अच्छे से धो देना है पहले। फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे डॉक्टर आपको नहीं समझाते हैं वो है कि आपको सबसे पहले गर्म पानी का टब में हल्का गुनगुना पानी वाला सिड्स बाथ लेना है। इस सिड्स बाथ में कोई केमिकल, कोई सॉल्ट यानी कोई नमक, कोई बीटाडीन, सेवलॉन, डेटॉल ऐसा कोई पदार्थ यूज़ नहीं करना है। सिंपल प्लेन टब या फिर सिड्स बाथ के टब अवेलेबल है बहुत सारे जगह पे, अमेजोन पे जो हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सब टब्स में या फिर एक फ्लैट टब में आपको गुनगुना पानी भर देना है। इसमें आपको 2 से 5 मिनट आपको बैठना है, जिससे आपको पाइल्स, बवासीर, मसे या हेमरॉइड्स का, यदि आपको दर्द ज़्यादा रहता है तो ये दर्द कम हो जाएगा। यदि आपका दर्द कम हो जाता है तो दर्द के कारण जो एरिया टाइट हो जाता है मलद्वार का, वो टाइट कम रहेगा, आपका एरिया रिलैक्स्ड रहेगा। अभी बात होती है ऑइंटमेंट यूज़ करने की, बात आती है जब ये पाइलेक्स फॉर ऑइंटमेंट यूज़ करना है। इसको लगाने के 3 तरीके, जो तरीका जो ये एप्लीकेटर के साथ आता है, इसमें क्या होता है कि ये जो एप्लीकेटर की जो नोजल है इसका आपको कैप रिमूव कर देना है। एक कैप रिमूव करने के बाद आप एनएस का जो रास्ता है उसके पास आपको एप्लीकेटर, तो ये जो संडास का जो रास्ता है उधर आपको थोड़ा सा पानी से या फिर लिग्नोकेन जेली से थोड़ा सा लुब्रिकेशन कर देना है। अगर आपके पास लिग्नोकेन जेली नहीं है तो ये ट्यूब की मात्रा थोड़ी सी बार टिप पे लेके आनी है, तो ये टिप
पे अगर आप ट्यूब लेके आते हो तो फिर लगाने के टाइम आपको थोड़ा सा चुभेगा कम, और जब आप ये लगा रहे हो ट्यूब मलम मलद्वार की जगह पे, तो इसको धीरे धीरे सरकाना है, एकदम फोर्स नहीं करना है, वरना कभी कभी जो बड़े बवासीर है आपको दर्द भी करेंगे और फूटेंगे जल्दी। जब फूटेंगे जल्दी तो ये ट्यूब लगाने का दोस्तों कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसको आराम से धीरे धीरे सरका के धीरे धीरे लगाना है। अभी कितना लगाना है और कैसे लगाना है दोस्तों, ये एक जो वटाने की साइज़ की यानी पी साइज ऑइंटमेंट आपको, यानी हल्का सा आपका जजमेंट जो एक वटाने की साइज़ है उतना आपको मलम लेना है। और ये मलम आपको एनस के पास जो एक्सटर्नल इम्ब्रॉयड्स है, और बहुत बार काफ़ी सारे लोगों इंटरनल इम्ब्रॉयड्स रहता है, यानी मलद्वार के जगह पे जो 2 सेंटीमीटर अंदर इंटरनल इम्ब्रॉयड्स रहते हैं जो आपको बाहर से नहीं दिखते, तो आपको उधर भी थोड़ा सा अंदर जाके, उधर भी थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर अंदर एनस की जगह पे अंदर लगाना है। तो पहला तरीका लगाने का ये एप्लीकेटर्स है। दूसरा तरीका, यही मलम यदि आपको एप्लीकेटर से, बहुत सारे लोगों को नहीं जमता है क्योंकि एप्लीकेटर की जो टिप रहती है वो थोड़ी सी पतली रहती है, तो कभी कभी चुभन रहता है, दर्द रहता है, या फिर बहुत सारे लोगों को नहीं जम रहा है, तो आपको एग्जामिनेशन ग्लव्स, फिंगर ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। अच्छे से आपको हैंड्स वॉश कर देने हैं, वॉश करने के बाद ग्लव्स पहन लेने, और ग्लव्स पे आपके टिप, उंगली की टिप के पास ये मलम लेना है जो एक वटाने की साइज की है, और फिर वापस मलद्वार के जगह पे आजू बाजू में थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद 2-3 सेंटीमीटर अंदर लगाना है, और थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि वो सब ट्यूब सब जगह पे लग जाए। यदि बहुत ज़्यादा दर्द है और आपको नहीं जम रहा है तो वापस आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, या फिर आपको फोर्सफुली ये मलम यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को ग्लव्स से भी नहीं जमता है, तो आपको अच्छे से हैंड वॉश कर देना है, और हैंड वॉश करने के बाद आपका एरिया क्लीन हो गया, फिंगर टिप आपने नाखून काट दिए, ट्रिम कर दिए, तो फिर आप डायरेक्टली भी, कोई कोई लोग पेशेंट्स ये टिप पे थोड़ा सा मलम लगा के आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग डायलेटर यानी ऐसे प्लास्टिक की एक उंगली शेप का एनस के जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, इसको भी आप लुब्रिकेट कर सकते हो ये ऑइंटमेंट से। और अगर आपको उंगली से नहीं जम रहा है या फिर आपको ग्लोव से नहीं जम रहा है तो इसको भी आप मलद्वार की जगह पे यूज़ कर सकते हो डायलेटर के ऊपर ये मलम लगाने से, और फिर डायलेटर जब आप मलद्वार की जगह पे अंदर डाल रहे हो 2-3 सेंटीमीटर तो वो सब जगह पे लग जाएगा। तो ये लगाने के 3 तरीके हैं, कैसे लगाना है ये मैंने आपको बता दिया। जब भी आपने मल त्याग कर दिया तो एक वटाने साइज का ऑइंटमेंट आपको या तो नोजल से यानी एप्लीकेटर, इनल डायलेटर से, या फिर उंगली से, यदि उंगली से लगा रहे हो तो ग्लव्स पहन के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं जम रहा है या नहीं है आपके पास ग्लव्स और आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद आपको यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद वापस अच्छे से सोप वाटर से हैंड वॉश कर देना है। आपने जब यूज़ कर दिया फिर ये एप्लीकेटर को वापस वार्म सोप वाटर से धो देना है, क्लीन कर देना है, और वापस बंद करके आपको एक कॉमन जगह पर रख देना है। इसको फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, वरना इसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी और ये मेडिसिन बराबर काम नहीं कर पाएगा। यदि आपको दर्द ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया कि लॉक्स टू जेली आती है, ये लॉक्स टू जेली यानी लिग्नोकेन जेली, इसको आप पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट लगा सकते हो, जिससे दर्द भी कम हो जाएगा, लुब्रिकेशन भी मिलेगा, इसकी लोकल एनेस्थीसिया एक्शन से भी आपको लगाना आसान हो जाएगा। और अगर दर्द होता है तो मैंने आपको ये भी बताया कि लॉक्स टू जेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीड्स बाथ का भी आपको यूज़ करना है, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों। अगर आप यकीन मानो, यदि आप सीड्स बाथ के बाद ऑइंटमेंट लगाते हो तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सीड्स बाथ के बाद ऑइंटमेंट लगाइए, जिससे आपको बहुत ही इजी वे हो जाता है ये ऑइंटमेंट लगाना मलद्वार की जगह, बिकॉज इट इज़ वेरी डिस्कम्फर्ट। ये लगाना का तरीका काफ़ी सारे लोगों को नहीं जमता, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अंत तक देखिए, जिससे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो में मिलती रहेगी। तो नेल कटर से आपको सबसे पहले तो आपके नाखून ट्रिम कर देने, छोटे कर देने, दिन में कितनी बार यूज़ करना चाहिए और कितने दिन तक यूज़ करना चाहिए दोस्तों, इसकी कोई ठोस गाइडलाइंस नहीं है। मैं अगर आपको ये ऑइंटमेंट यूज़ करता हूँ हमारे पेशेंट्स में, या फिर कोई पेशेंट्स यूज़ कर रहा है और वो पूछता है, तो मैं जनरली बोलता हूँ कि 2 से 3 बार आपको लगाना है, यदि आपको जम रहा है ये ऑइंटमेंट यूज़ करने में, और 1 से 3 हफ्ते तक आप यूज़ करना चाहिए। यदि 1 से 3 हफ्ते में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है
तो लंबे टाइम तक इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, वापस आपको आपके डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए टू बी सेफ। यदि हमेशा आप आपके डॉक्टर के सुपरविजन में ये ऑइंटमेंट यूज़ करते हो तो सेफ्टी ज़्यादा रहती है, आपका डायग्नोसिस मिस नहीं होता है, कहीं कोई अन्य बीमारी कैंसर पाइल्स फिशुला फिशर ये सब एक ही जगह पे होता है बहुत बार, अल्सरेटिव कोलाइटिस पॉलिप्स, तो आपका डायग्नोसिस यदि बराबर है तो आपकी ट्रीटमेंट सेफ होगी। तो दोस्तों पाइलेक्स फॉट ऑइंटमेंट में कौन से अलग अलग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो ऑइंटमेंट में उपलब्ध है और ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों पाइलेक्स फॉट ऑइंटमेंट में यशद भस्म है, इसमें लाजवंती प्लांट यानी टच मी नॉट प्लांट के अर्क है, इसमें भिंगराज यानी केशराज जो बाल के लिए भी इस्तेमाल होता है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में ये है, इसमें जिरगुल यानी कैलेंड्यूला कपूर ये सब जो आयुर्वेदिक टॉपिकल प्रिपरेशंस है या ऑयल से या पाउडर के रूप में ये सब ऑइंटमेंट में इस्तेमाल किए गया है, और ये सब का दावा है कि इससे आपको पाइल्स की तकलीफ ब्लीडिंग के रूप में कम होती है, माइक्रो सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इन्फेक्शन कम होता है और लोकल एरिया में हीलिंग वुंड हीलिंग भी बेटर करता है। अभी ये क्या गारंटीड इलाज है क्या ये पाइलेक्स फॉट ऑइंटमेंट? क्या सबसे बेस्ट ऑइंटमेंट है ये? क्या हमेशा 100% इफेक्टिव रहता है? तो दोस्तों ये पाइलेक्स फॉट ऑइंटमेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हिमरॉइड्स के लिए अच्छा है। कोई भी प्रिपरेशन सिर्फ पाइलेक्स फॉट नहीं लेकिन काफ़ी सारे मार्केट में प्रिपरेशन अवेलेबल है, ये सब मेडिसिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स बवासीर में इफेक्टिव रहता है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में टेम्पररी रिलीफ ज़्यादा रहता है या बहुत बार आपको रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक गारंटीड इलाज है या यही बेस्ट ऑइंटमेंट है मार्केट में अवेलेबल, आपको जो काम कर गया वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन यदि आपकी तकलीफ ज़्यादा है सीवियरिटी ज़्यादा है तो फिर शायद आपको एक काम ना भी करे। क्या है विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्या इसके ज़ीरो साइड इफेक्ट्स है? क्या आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है तो इसके ज़ीरो साइड इफेक्ट्स है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को कभी कभी केमिकल रिएक्शन आता है, तो मलद्वार की जगह पे कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लाल भी हो सकता है, कभी कभी ये काम नहीं कर रहा है वो भी एक साइड इफ़ेक्ट हो गया, या फिर आपको लगाने से कभी कभी ब्लीडिंग बढ़ भी सकता है। तो ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन नॉर्मली काफ़ी सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन यदि आ सकता है तो लाल हो सकता है, दर्द बढ़ सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है या फिर आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? एज पर कंपनी लिटरेचर प्रेगनेंसी हिमरॉइड्स में ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरी ओपिनियन या मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आपको आपके डॉक्टर को, खास करके यदि आपको प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ, कहीं कुछ और बीमारी तो नहीं है, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर की सलाह और मशवरा के गाइडेंस में आपको अगर वो बताते तो इसे यूज़ करना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन वी पटेल, क्वालिफाइड सर्जन फॉर पाइल्स फिशर फिशुला। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है पाइलेक्स फॉट ऑइंटमेंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाइट के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, इसे क्लिक कीजिए और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी वेबसाइट की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि आप कौन सी ब्रांड का ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो। यदि आपको पाइल्स बवासीर फिशर फिशुला की तकलीफ है तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो आपके पाइल्स बवासीर फिशर की तकलीफ के लिए? धन्यवाद।